हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप एसएससी सीजीएल 2020 का जो फॉर्म भरेंगे उसमें आप जैसे अभी आप देखेंगे कि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं आ रही है। तो कैसे आप जैसे पहले अगर आपकी कैटेगरी यूआर थी तो आप अपनी कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि 2018 के टाइम भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत कम लोगों के बने हुए थे। 2019 में बहुत लोग ऐसे थे जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, लेकिन जिनका 2020 में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है लेकिन उन्होंने 2019 में रजिस्ट्रेशन करा था एसएससी के एग्ज़ाम्स में जिसमें उन्होंने कैटेगरी यूआर डाली थी, तो अब उनको अपनी कैटेगरी यूआर से ईडब्ल्यूएस चेंज करनी पड़ेगी। तो आइए हम सीखते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है होम पेज है एसएससी का, इसमें आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम जो भी रजिस्ट्रेशन होगा और पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करा। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसी स्लाइड दिखेगी जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर दिखेगा, डिटेल्स पूरे दिखेंगे, इसमें पूरे आपके बेसिक डिटेल्स होंगे। इसमें अगर आपको कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं एडिट पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप जो लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये जो आपका फर्स्ट पेज होगा इसमें आपको कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस पर जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपकी ये आएंगी एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसमें आपको अपनी कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसमें जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इसमें जनरल सेलेक्ट हो रहा है और इसमें आपको एडिट करके ईडब्ल्यूएस करना है। नेक्स्ट आपने करा, जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कुछ आएगा मैसेज कि एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फील्ड कैन बी एडिटेड ट्वाइस बिफोर एवरी एग्जामिनेशन। मतलब जैसे आप 2020 का फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसके फॉर्म भरने से पहले इसको सिर्फ दो बार एडिट कर सकते हैं। आपने ओके करा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आपकी आएगी उसमें आप एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपको ईडब्ल्यूएस एक बार सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई करने के लिए ईडब्ल्यूएस दोबारा सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद ये आपसे एक डिक्लेरेशन आएगा जिसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट करना होगा। अब फाइनल सबमिट करने के बाद ये आएगी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि आपका रजिस्ट्रेड मोबाइल नंबर होगा और ईमेल आईडी होगा, उसमें आपको अलग अलग ओटीपी मिलेगा। तो आप मोबाइल वाला ओटीपी फर्स्ट में डालें, सेकंड में ईमेल वाला डालें ओटीपी, और यहाँ पे अपना जो भी ये कैप्चा है एंटर करें और सबमिट कर दें। इसी के साथ आपकी जो कैटेगरी है वो यूआर से ईडब्ल्यूएस में चेंज हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, इसके अलावा कुछ और डाउट हो तो कमेंट करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।